नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते कौन सा कंपनी है। फर्स्ट कंपनी जिसका नाम है टाइटन। देखिए टाइटन ग्रुप के बारे में बात करूँ तो टाइटन कंपनी के बारे में बात करूँ तो टाइटन वन ऑफ द फेवरेट कंपनी है मेरा, क्योंकि टाइटन के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इसीलिए करता हूँ क्योंकि ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में कंपनी नंबर वन पोजीशन में है और इसको टक्कर देने वाला आज तक अभी उतना बड़ा हुआ नहीं, क्योंकि इसका मार्केट कैप देख लीजिए करीबन 3 लाख करोड़। और कल्लन ज्वेलर्स जो सेकंड पोजीशन में है इस ज्वेलरी एंड जेम्स एंड डायमंड्स के हिसाब से, वो सेकंड पोजीशन में है, उसका मार्केट कैप अराउंड 50,000 करोड़ के आसपास है। मतलब कितना डिफरेंस आप सोचिए, 3 लाख करोड़ और कहाँ पे 50,000 करोड़, कितना बड़ा फर्क है। तो इस हिसाब से देखा है तो मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी बहुत ऑब्वियसली बड़ा है। और उसके बाद देखिए सेंको गोल्ड है, उसके बाद राजेश एक्सपोर्ट है। तो अलग अलग कंपनीज है, उस कंपनीज के बेसिस में टाइटन बहुत बड़ा है। उसके साथ साथ टाइटन में जो ग्रोथ और पोटेंशियल है वो आप देखेंगे तो आरओसी बहुत शानदार है। हाँ, कंपनी ने कर्जा बहुत ज़्यादा लिया, ये एक सबसे बड़ा कंपनी के लिए वीकनेस पॉइंट है। फिर भी कंपनी सेल्स को ठीक ठाक किया मगर प्रॉफिट ग्रोथ को इस बार ठीक नहीं कर पाया। यही कारण के वजह से शेयर के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला, जो कुछ दिनों से लगातार गिरते चले जा रहे हैं शेयर में। तो आपको क्या लग रहा होगा कि ऐसे गिरा है? बिल्कुल नहीं, कंपनी का फाइनेंशियल डेटा ठीक नहीं है तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। अभी मैं पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ कंपनी का जो लेवल है, मैं एक बार लेवल का मार्किंग कर देता हूँ। ये जो लेवल है ये लेवल बहुत स्ट्रांगली एक सपोर्ट है, क्योंकि देखिए जब भी इस लेवल को टच किया उसके बाद इतना बड़ा जंप किया, उसी तरीके से फिर से इस लेवल को टच किया है मतलब उतना बड़ा ही जंप देखने को मिल सकता है। अभी देखिए पहले मैं एक ट्रेड लेने के लिए तैयार रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ था और लग रहा था कि इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो एक एंटी बनेगा, मगर उल्टा हो गया, नीचे आ चुके हैं। तो एक पैटर्न्स अभी बनेगा, वो पैटर्न्स कुछ इस तरीके से बनेगा। क्या बनेगा? एक बिग कप बनेगा, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल बनेगा। तो कप विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद, ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा खासा जर्नी हो सकते हैं। तो बाकी आपके इस ओपिनियन के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल देखने को मिल सकता है। तो मैं टाइटन के ऊपर एक चीज़ आपको नोटिस करा दूँ, जो लोग सोच रहे कि क्वार्टरली रिजल्ट तो अच्छा खासा हुआ, 10,000 से 12,000 करोड़ बना, तो सब कुछ तो ठीक ठाक है। कंपनी को इंटरेस्ट और सब कुछ मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट जो है आप देख सकते हैं 736 से लेकर 771 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट हुआ। मतलब प्रॉफिट ईयर ऑफ ईयर बेसिस में ठीक है मगर क्वार्टर से बहुत कम है। क्वार्टर से कंपनी बहुत कम कर चुके हैं, मतलब क्वार्टर में कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो चुके हैं। यही कंपनी के लिए एक वीकनेस बना जिसके चलते शेयर में गिरावट हो रहा है। इसको देखकर बहुत सारे लोगों का डाउट यही है, क्या सर कंपनी के ऊपर इतना बड़ा गिरावट हुआ, क्या कोई इसमें आप कोई ट्रेड लिया है? देखिए आरएसआई बेसिस में एक एंट्री बना जब इस चार्ट ने 200 मूविंग एवरेज के नीचे आया, उस टाइम आरएसआई भी 30 के नीचे गया, तो यहाँ पे क्या बना? एक एंट्री बना। इस एंट्री बनने के बाद कंपनी देखिए धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो जब यहाँ से ऊपर जाकर हायर लेवल में क्लोज हो वहाँ पे एग्जिट बनेगा, तो मुझे लगता है उतना ज़्यादा खास रिटर्न नहीं मिलेगा। फिर भी एक पॉजिटिव एंट्री मिला था तो इसलिए मैंने एंट्री लिया था। बाकी देखिए हमेशा हर ट्रेड में प्रॉफिट मिलेगा ऐसे होगा नहीं, मगर आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ आपने जो ट्रेड लिया वहाँ पे कोई लॉसेस नहीं है, प्रॉफिट शायद कम हुआ है मगर लॉसेस नहीं हुआ। तो इस बात को आपको याद रखना है। बाकी टाइटन के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। मैं तो बहुत बुलिश हूँ, इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी बहुत बुलिश है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के हिसाब से एफआईएस के पास अराउंड 19%, जो पहले 16% होल्डिंग था आज 19% का होल्डिंग है। और म्यूचुअल फंड के पास पहले 5-5.5 होल्डिंग था, आज भी उसी तरीके से होल्डिंग देखने को मिला। मतलब कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है और प्रोमोटर भी पहले ही 52% के आसपास होल्डिंग लेकर चल रहा है। तो ओवरऑल हर दिशा में देखा है तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल चुका है। अभी नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करें उसका नाम है कल्लन ज्वेलर्स। तो कल्लन ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड, बेसिकली 49,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और कल्लन ज्वेलर्स इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट ज्वेलरी कंपनी है। तो फाइनली कल्लन ज्वेलर्स के ऊपर जो मुझे टारगेट मिला वो मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगा। सबसे पहले देखिए मैं आपको चार्ट एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ, तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। मैं एक बार चार्ट को आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। कल्लन ज्वेलर्स एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ। हाँ अभी ठीक है। देखिए कल्लन ज्वेलर्स के ऊपर जब एंट्री बना था कुछ इस तरीके से रेंज के बेसिस में एंट्री बना। देखिए एक्चुअली देखा जाए तो दो पोजीशन वाइज दो सिचुएशन बना था। पहले देखिए यहाँ पे क्या बना था, एक कप बना उसके बाद एक हैंडल बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ था।
जब रिटेस्ट किया तब यहाँ पे एंटी बना। अभी देखिए कंपनी धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। फाइनली उस ऊपर जाकर इसका टारगेट भी अचीव हुआ, तो अराउंड 17.85 ऑलमोस्ट आप 18% का टारगेट यहाँ पे आप मिल चुके हैं। इस चीज़ों को आप समझ सकते हैं, तो 18% के आसपास यहाँ पे टारगेट मिल चुके हैं। इस 18% का टारगेट कितने दिनों में मिला, अगर मैं एंटी लेवल जब एंटी मेरा हुआ था उस लेवल से मैं अगर टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 100 दिनों में, मतलब अराउंड 3 मंथ्स के आसपास, 3 मंथ्स में 17% का रिटर्न कोई कम नहीं है। एक शानदार तरीके से रिटर्न इसलिए मिला क्योंकि मैंने कंपनी के ऊपर भरोसा किया। भरोसा किया का मतलब क्या है, कंपनी के ऊपर जब मैंने डीपली रिसर्च किया तब मुझे पता चला कि कंपनी का ग्रोथ ठीक ठाक हो रहा है। मान लेते तो वैल्यूएशन बहुत हाई है, इसी चीज़ को देखकर सब लोग चिंता कर लेते हैं कि वैल्यूएशन हाई है तो कंपनी कुछ भी कर सकते हैं, गिर भी सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। देखिए अजय, लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच रहे हैं तो वैल्यूएशन चेक करना ठीक होगा। अगर आप कोई ट्रेडर है, मान के चलिए आप डेली बेसिस ट्रेड करते हैं, क्या आप पीरी से चेक करते हैं? बिल्कुल नहीं। आप स्विंग बेसिस ट्रेड करते हैं, हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते, 6 मंथ के लिए, क्या आप मतलब पीरी से चेक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्योंकि पी रेशियो, हाँ पी रेशियो बहुत हाई हो जाए तो आप एक रिस्की जोन बन सकते हैं, मतलब शेयर में करेक्शन हो सकते हैं, नहीं तो शेयर बहुत दिनों तक एक कंसोलिडेट फेज में चले जा सकते हैं। इस हिसाब से देखा है तो कंपनी को पी रेशियो भी जरूर चेक करना चाहिए। आपको ये देखना है कि पी रेशियो कितना हाई है। तो मैंने जब पी रेशियो चेक किया तो मुझे उतना हाई तो लगा, मगर मेरे ट्रेडिंग पर्पज़ में उतना हाई मुझे नहीं लगा। तो आरओसीआरए ठीक है और कंपनी का डेप्थ थोड़ा सा ज़्यादा है, फिर भी टाइटन से कम है, एक अच्छी बात है। तो डेप्थ लेने के बाद भी कंपनी देखिए सेल्स के आंकड़े को मेंटेन किया और प्रॉफिट को भी अच्छा खासा मेंटेन किया। पिछली बार 70 करोड़ का प्रॉफिट था, इस पर 137 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट हुआ, मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला। मुझे लगता है जो प्रॉफिट यहाँ पे ग्रोथ हुआ है वो बेस्ट तरीके से हुआ है और इसी मतलब प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ के कारण कंपनी में अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी देखने को मिल सकता है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी के 2 पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा। पहली बात कैश फ्लो, जहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी का जो कैश फ्लो है वो आप देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल कैश फ्लो है वो पॉजिटिव में है, करीब 1300 करोड़ के आसपास कैश फ्लो देखने को मिला। उसी हिसाब से अगर मैं टोटल नेट प्रॉफिट को देखूँ तो 596 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि कंपनी का कैश फ्लो ज़्यादा दिख रहा है और कंपनी का नेट प्रॉफिट कम क्यों है, क्योंकि कंपनी का डिप्रिसिएशन भी ज़्यादा है। उस हिसाब से एक कैलकुलेशन निकल कर रहा है कुछ इस तरीके से। अभी कंपनीज के ऊपर जो सबसे बड़ी बात है इन्वेस्टर, वहाँ पे देखेंगे तो प्रोमोटर के बाद FSDS पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है क्योंकि हर कोई इस कंपनी को ट्रस्ट करना शुरू कर चुके हैं। तो कलन ज्वेलर्स के ऊपर फोकस रखिए क्योंकि कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। क्योंकि कलन ज्वेलर्स के अगर मैं पॉइंट के बारे में बात करूँ, जब मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया था इस कंपनी के ऊपर तब टाइम पीरियड था अराउंड जून 2023 में, तो तब यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, 23% के आसपास टारगेट मिला था। उसके बाद कंपनी रॉकेट की तरह ऊपर गया, मतलब एक बहुत बड़ा धमाका किया। ओवरऑल कंपनी के एंटी लेवल से, जब लोअर एंटी था उस एंटी लेवल से अगर टॉप लेवल तक देखो तो आप मार्किंग करके देखना, कंपनी इसके ऊपर अच्छा खासा एक रेंज यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अच्छा खासा रेंज का मतलब क्या है, ओवरऑल 400% का कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है वोडाफोन आइडिया। फाइनली वोडाफोन आइडिया के ऊपर एक गुड न्यूज़ आया जिसके चलते वोडाफोन आइडिया बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। वो गुड न्यूज़ क्या है सबसे पहले वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया के ऊपर एक डेटा अपडेट यहाँ पे देखने को मिला जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर जो डेटा है आप देख सकते हैं, वोडाफोन आइडिया एक्वायर 50 MHz जो स्पेक्ट्रम सॉरी स्पेक्ट्रम फॉर द $35 बिलियन। तो कंपनी क्या कर रहा है, 35 बिलियन डॉलर देकर सॉरी 35 बिलियन रुपीज़ देकर यहाँ पे 50 MHz जो स्पेक्ट्रम है उसको एक्वायर कर रहा है। तो कंपनी खुद के बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए इस तरीके से चीज़ों को उसका ज़रूरत पड़ेगा, तो इसीलिए उस वो खरीदारी कर रहा है। अभी दूसरी बात भी ये है, एक वीकनेस पॉइंट भी है, कुछ स्टेक वो बेचने वाले हैं जो एक्चुअली जो इंडस टावर है, इंडस टावर के ऊपर बहुत ज़्यादा इस कंपनी कर्जा लेकर रखा है। कर्जा मतलब इंडस टावर जो सर्विसेज वोडाफोन को दिया, वोडाफोन उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए इंडस टावर को उस शेयर बेचकर उस पैसा वो मिटाने वाला है। तो ये कुछ अपडेट्स हैं जिस अपडेट्स के कारण शेयर में एक हलचल देखने को मिला, एक वॉलेटिलिटी देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे एक कप बना है उसके बाद 2 बार यहाँ पे हैंडल बने। तो कप विथ हैंडल के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट भी हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ,
उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है वो सिचुएशन के बेसिस में ऊपर जाकर ही दाम लेंगे, वो 27 से 28 रुपीज़ के आसपास है, और 27 रुपीज़ तक इसका टारगेट निकल कर रहा है मेरा। और जो इसका टॉप में जो एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है वो 28 रुपीज़ के आसपास है। मतलब कंपनी के जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने का दम और पोटेंशियल दोनों यहाँ पे रख चुके हैं। तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। तो चलो अभी देख लेते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में, क्या सही में क्वार्टरली रिजल्ट ठीक ठाक किया इस बार। देखिए कंपनी के रिजल्ट के हिसाब से बात करूँ, कंपनी कंटिन्यूसली सेल्स को 10,000 के ज़्यादा नहीं कर पाए, कंपनी एक्सपेंस ज़्यादा है, फिर भी एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव है। इस बार भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिला, एक गुड पॉइंट्स है। मगर कंपनी के सबसे बड़ा दिक्कत वाला बात यही है कि कंपनी के डिप्रिसिएशन और उसके साथ साथ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है कि कंपनी कभी भी प्रॉफिट में पॉजिटिव नहीं दिखाया, कंपनी कंटिन्यूसली लॉसेस करते चले जा रहा है। देखिए लॉस मेकिंग कंपनी के ऊपर ट्रेड करना बहुत बड़ा रिस्की जोन है, तो इसलिए वोडाफोन आइडिया के ऊपर जो यहाँ पे एक ट्रेड बना है इस ट्रेड को मैं यहाँ पे सिर्फ वॉच करूंगा, यहाँ पे मैं कोई काम नहीं करूंगा। मैं पहले बोल चुका हूँ क्योंकि मैं कोई भी लॉस मेकिंग कंपनी के ऊपर काम नहीं करता हूँ, चाहे वो कितना शानदार प्रॉफिट दे। मैं सिर्फ यही देखना चाहता हूँ कि कंपनी जो जो पैटर्न्स को मैं यूज़ करके काम करता हूँ क्या वो लॉस मेकिंग कंपनी के ऊपर भी सही तरीके से टारगेट होता है कि नहीं होता है। इसलिए मैं इस वीडियो को आपको कंटिन्यू करूंगा इस कंपनी के बारे में, जब जब अपडेट आए तो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है रेमसॉन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है, कंपनी यहाँ पे 1 के बदले 5 शेयर आपको देने वाला है क्योंकि 10 का फेस वैल्यू 2 रुपया बने जा रहा है। तो जब इस तरीके से स्प्लिट बनेगा तो एक्स्ट्रा कंपनी बेनिफिट देगा और एक्स्ट्रा बेनिफिट कम मिलेगा। उसका डेट भी मेंशन किया गया है, जो डेट है 5th ऑफ जून। तो आई होप वीडियो में जानकारी अच्छा मिला होगा, अगर मिला है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पज में था, कोई भी मेरी तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।